So range of motion, always you touch your sternum, always you touch your nipples, ठीक है? तो ये स्ट्रेच आपको मिलना बहुत जरूरी है। जीत सलाल के हिसाब से आपको हमेशा अपनी बार चेस्ट पे टच करानी चाहिए, पर अगर आप हैवी वेट के साथ बार को चेस्ट पे टच कराओगे तो कई लोगों को ये इंजरी दे सकता है, क्योंकि बहुत लोगों की अपर आर्म 90 डिग्री से नीचे चली जाती है बार को चेस्ट पे टच कराने के चक्कर में, और 90 डिग्री से नीचे आपके चेस्ट की लोड लेने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बेंच प्रेस के अंदर इंजरी हो जाती है। तो अब इसका सलूशन क्या है? देखो, जब भी आपको अपनी बेंच प्रेस लगानी है तो हैवी वेट से सिर्फ आपको 90 डिग्री तक आना है, और जो ये नीचे वाला रेंज ऑफ मोशन है ये आप वार्म अप सेट्स में लगा सकते हो या लाइट वेट से लगा सकते हो। ये आपके चेस्ट मसल को सेफली और इफेक्टिवली ट्रेन करेगा।